शादी की तैयारियां तैयारियां बहुत धूमधाम से हो रही है। आखिरी बार उनके दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। आपने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया बाबा? रात में मुझे त्रिमूर्तियों ने बुलाया था बच्चा। त्रिमूर्तियां मतलब अनिल नसीर जैकी ना बाबा? नहीं बच्चा, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या कहा बाबा? कहा मेरे बिना स्वर्ग, ऑडियंस के बिना थिएटर जैसा लग रहा है। अरे बाप रे, मुझे वहाँ बुलाया है बच्चा। अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा बाबा। वो समाधि है बेटा, समर कैंप नहीं, जो जब चाहे तब वहाँ चला जाए। सिनेमा थिएटर है, शो के वक्त ही सिनेमा देखना चाहिए, बुलावे के बाद समाधि लेनी चाहिए। आप भगवान है, आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो सिनेमा एक साल चलती है उसे भी एक दिन थिएटर से उतरना होता है, वैसे ही आत्मा भी है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता बाबा। मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्लीज बाबा। प्लीज प्लीज बाबा, सच बोलने तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। प्लीज, अगर प्लीज, मैं जाऊँ तो उस ब्लैकमेलर का टॉर्चर भी नहीं सह सकता। देखो बच्चा बाबा, मुझे हमेशा एक NRI का कॉल आता है, पता है ना? वो मुझे हमेशा संताराम संताराम कहता है। संताराम? हाँ। ये कौन है? उधर देखो। कम, 5 rupees 20 rupees, 10 rupees 50 rupees, 5 rupees 20 rupees, 10 rupees 50 rupees, 10 rupees 50 rupees। अरे है मेरे पास। लड़की के बाजू की सीट है? नहीं है। ये लो। लड़की कहाँ है? वहाँ है। मेरा हिसाब? हाँ, तुझे ही ढूंढ रहा था। ये ले 100। भाई भाई एक टिकट दीजिए। एक ही है लेकिन नहीं दूंगा। क्यों? वाटर बॉटल में क्वार्टर मिलाकर सिप करते हुए सेकंड शो देखना मेरी आदत है। लो सुपर। क्या तू है? मैं सोचा वो कोई बात नहीं, आदत है। सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म हो गया। शिप डूब रही है। रोज रोज जैक डूब गया। रोज 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 मेरा नाम ले रहा है जी। शिप, बड़ी शिप डूब रही है। सर क्या हुआ? मैडम के नाम की शिप मालदीव में डूब गई है सर। डूब गई? हाँ सर। 520 2050 520 2050। ये तो अपनी शिप का नंबर है। अपनी शिप का? रोज रोज सर, ये तो अपनी मैडम का नाम है। हाँ ये तो। क्या हुआ, क्या होने वाला है? इस ज्ञानी को सब कुछ पता है सर। सर मेरी शिप डूब गई है सर, अब मैं क्या करूँ बताइए। शिप डूब गई तो क्या हुआ, सिनेमा हिट है। सिनेमा? सुपर हिट, मेगा हिट। शायद आपको सिनेमा कह रहे हैं। 10 rupees 100 rupees, 10 rupees 100 rupees। सर, 10 rupees, ये कह रहे हैं कि 10 rupees लगाने पर 100 rupees का प्रॉफिट होगा। अरे इन्हें उठाइए ना। सर 100 rupees सर। बाबा जय शरण में तुम्हारे आए हम, निवासी बाबा, निवासी बाबा, जय निवासी बाबा, जय निवासी बाबा। और सिनेमा निवासी बाबा हो गया। इसी फ्लैशबैक की वजह से उसने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे वसूलने शुरू कर दिए। सुबह सुबह उठकर भजन करके पैसे कमाना और शाम होते ही सारे पैसे उसके नाम कर देना। इन्हीं सबसे पीछा छुड़ाने के लिए बचे हुए पैसों से कहीं भागने की प्लानिंग की थी। मैं नहीं मानता। कौन सा सिनेमा कितने दिन तक थिएटर में चलेगी, किस स्टार का समय अच्छा चल रहा है, ये आपको कैसे पता? तो ये है प्रॉब्लम, बारिश हो, धूप हो, दिन हो, रात हो, सिनेमा पर जीने वाले साइकिल स्टैंड वाले को पता होता है सिनेमा कितने दिन चलेगी। फिल्म स्टार को नहीं पता होता। समोसा बेचने वाले को पता होता है सिनेमा कितनी हिट होगी, लेकिन डायरेक्टर को नहीं पता होता। मेरे जैसे ब्लैक टिकट बेचने वाले को पता होता है सिनेमा का कलेक्शन कितना होगा, लेकिन प्रोड्यूसर को पता नहीं होता। हमारा प्रीव्यू नहीं होता, रिव्यू नहीं होता, ओनली क्लैप्स एंड व्हिसल्स होता है। समझ गया ना? कहाँ चला गया? हाथ में लकड़ी क्यों है बच्चा? आपके ऊपर भरोसा करके शादी के मंडप से उठकर भागा है, जिंदगी बर्बाद कर दी आपने मेरी। अरे बाप रे, अरे अरे मत मारो, मत मारो, मत मारो, छोड़ो, अरे मत मारो, मत मारो, मत मारो। उधर क्यों देख रहा है, इंटरवल है क्या? वो पैर, वो पैर, हाँ पानी ले ले और सर पर छिड़क ले। हाँ ऐसे मेरे हाथों से अपने ये पैर धुलवा कर। यही है वो पैर, वही पानी अमृत बोलकर मुझे पिलाया था ना। अरे मत मार बच्चा, मत मार, अरे मत मार बच्चा, रुक जा। फिर उधर देख रहा है, नया इंटरवल है क्या? रात में नींद आई ना बाबा? हाँ। बाबा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ? रात में आप ज्ञान समाधि में श्री तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी से गुरुवर बालकृष्ण से कुछ बातें कर रहे थे। हाँ। बीच में कोई एक और नाम सुना था बाबा। हाँ। सामंता नाम की किसी देवी का। वो एक चैतन्यवान औरत है, एक पावरफुल नाग देवता है। हाँ।
रात में सामंता सामंता करता है नाग देवता बोलकर झूठ बोला तूने हाँ। और पूजा हेगड़े का नाम लेकर हाँ। ये नई प्रकार की पूजा ऐसा बोला तूने। अरे बस अब नहीं चल सकता मैं, छोड़ दो, बहुत जोर की लगी मार भाई। अबे मारने पर मारने तो क्या लॉटरी लगेगी। अरे तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। हां बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। तेरे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मार मत। तुझे एक अच्छा सा आईडिया देता हूं। क्या है? रुक जाओ, परमात्मा का बुलावा आया है, अवश्य उन्हें मुझसे कुछ काम होगा, जाना ही होगा। आप दुखी मत होना, ये मेरा शिष्य आपके साथ रहेगा। सुनामी बाबा, चलता हूँ। किट्टू अपूरे, आज हमारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से सॉल्व हो गई, हैप्पी मोमेंट्स फिर से स्टार्ट हो गए। थैंक्स बेबी। हाँ? इसका नाम बेबी ही है ना, नाम लेके बुला रहा हूँ तो देख क्यों नहीं रही है? शायद उसे पता ही ना हो कि उसका नाम बेबी है। ए, ओपन करने यार। अरे ये देख, इसमें कार्ड है, मतलब इस्तेमाल करने के लिए पैसों के साथ क्रेडिट कार्ड भी दे दिया है। अरे ये क्रेडिट कार्ड नहीं यार, ये एक्सेस कार्ड लग रहा है। इधर ला। अरे छोड़ना, इससे अपना क्या फायदा। लगभग इसमें 1 करोड़ होंगे यार। ओ माय गॉड, ओ माय डॉग। यार अगर ये बात पहले पता होती तो शहर में कुत्तों की तरह कुत्तों के पीछे भागने से अच्छा इसे ही पकड़ लेते, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। कुत्तों के साथ रहते रहते तेरी बुद्धि भी कुत्ते वाली हो गई। 5 लाख मांगने पर 1 करोड़ रुपए देती है, समथिंग इज रॉन्ग यार। हे, मेरी बेबी कहाँ है? आ जाएगी सर। आप आपकी बेबी से कितना भी प्यार करते होंगे लेकिन 5 लाख मांगने पर सीधा 1 करोड़ हमें नहीं चाहिए सर। हम नीच काम भी नीटली करते हैं। बेबी के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपके कंपाउंड में रख देंगे। आप बिस्किट रेडी कीजिए। बिस्किट क्या है? अरे वही कुत्तों के बिस्किट। कुत्तों के बिस्किट, वो किसके लिए? अरे सर आपके कुत्ते के लिए। ए, बकवास बंद कर और सीधा सीधा बता कि मेरी बेटी कहाँ है। बेटी किसकी? ए, सुन, तूने 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड मांगा था ना, वो दे दिया। अब चुपचाप मेरी बेटी को घर भेज दे वरना शूट कर दूंगा मैं। यार ये बीच में बेटी कहाँ से आ गई? मामला तो कंफ्यूजिंग हो गया। मेरी अभी समझ में आ रहा है। क्या? उसने 1 करोड़ कुत्ते के लिए नहीं दिए थे, बेटी के लिए। उसने फोन में बेबी जो बोला वो डॉग के लिए नहीं, डॉक्टर के लिए। किसी ने उसकी बेटी को किडनैप करके 1 करोड़ गोलकोंडा लाने को कहा है, वहीं से ये कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है। तो अब क्या करेंगे यार? और क्या करेंगे, उस बैग और कुत्ते को ले जाकर उसके घर पे छोड़ देंगे, जाकर उसकी बेटी को ले आएगा वो। अरे यार भाग भाग के हमारी हालत खराब हो गई, थोड़े पैसे हम लोग रख लेते हैं। लड़की के पैसे हैं यार, गलत बात है, चल